मॉर्निंग गाइस। तो आज हम व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हमारे गांव के ठेके के पास से। तो ये हमारे गांव का ठेका है। तो फिलहाल अभी फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि टाइम हो रखा है 10:45, क्योंकि मेरे को ऑफिस में कुछ काम है। और यहाँ पे जब हम निकलते होते थे ना, बहुत अच्छे अच्छे ना वो फूल होते थे। आजकल फूल नहीं दिखाई दे रहे, आजकल वो है ना क्या कहते हैं बरसातें। पता क्या होता है, जब भी मैं यहाँ से निकलता था ना, एक आदत होती है, हम मंदिर के आगे से निकलते हैं। मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तो हम ऐसे कर देते हैं, सिर ऐसे झुका देते हैं मंदिर हो, गुरुद्वारा, मस्जिद हो, है ना। बट क्या होता है कभी कभार ना, जब हम ठेके में से निकलते हैं ना नजदीक अपने घर के लिए, तो मेरा सिर ऑटोमेटिकली कभी कभार ऐसे चल जाता है। मैं सोच रहा हूँ यार, ये मैं क्या करता रहता हूँ। ठेके को नमस्कार, शाम के टाइम मम्मी, गुड इवनिंग आपको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ सैर करने? अच्छा अच्छा मम्मी ना अभी ना बस फ्री हुए हैं, और मैं भी अभी आया, कल मेरे को शायद जाना पड़ेगा कहीं बाहर ना, ध्यान रखियो पीछे से। गाइस घर में घुसते ही ना कैसी खुशबू आ रही, कमेंट करके बताना। नहीं पता चला, खट्टी खट्टी, क्योंकि मम्मी ने ना आज अपने घर में कढ़ी बना दी। ये पता नहीं क्यों बना दी, बट पकोड़े देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाले पकोड़े मैं मार्केट से लेके आया था, मेरे को कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। ये वाली अभी कढ़ी खाई थी, वो भंडारे वाली थी, ये हमारे घर खुद बनाई, क्योंकि दही पड़ा हुआ था मम्मी घर, मैंने सोचा कढ़ी बना लेते हैं और चावल खाएंगे। कढ़ी चावल कितने अच्छे लगते हो, मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से ना रेसिपी नहीं दे पाया, जल्दी हम आपको रेसिपी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ काम करने, क्योंकि आज मैं सारा दिन LIC मेरा, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से ना मेरे कुछ काम चल रहे हैं वहाँ पे, तो बस भाग दौड़ कल भी उसी के काम के लिए मेरे को कहीं बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ, क्योंकि खतरा बहुत है मेरी लाइफ को। और दूसरी बात ये है अपना, बस ये सब बातें थी, और थोड़ी सी सिक्योरिटी लेके चले हुए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा। वैसे ही माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ, क्योंकि अंकुश की लाइफ के लिए खतरे बहुत बढ़ चुके हैं अलग अलग तरह से, और बहुत सी बातें होती हैं, और यहाँ पे खुल के शेयर नहीं कर सकता मैं। एक टाइम आने पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और फिलहाल मेरी एक बात आई थी यार, वो क्या थी कि हम भूल गए, वो क्या थी, हाँ आ गई यार, वो क्या थी पता क्या हुआ, सिलेंडर हमारा खत्म होने वाला है, और सिलेंडर बुक करवाया, सिलेंडर जो हमारे चाचा जी की शॉप पे आया हुआ है नीचे, तो वो लेके आते हैं। मम्मी कह रहे कि मैं बाहर जा रही हूँ, उससे पहले तुम सिलेंडर ले आओ, कि ऐसा ना हो मैं बाहर हूँ, वैसे शाम को मेरे को वापस आ जाना है, पीछे से खत्म हो जाए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, आटा पिसवाना, आटा नहीं कनक पिसवाना, गेहूँ, और सिलेंडर लेके आना, या कुछ और भी हैवी चीज़ें होती वो, और साथ ही साथ मेरे को याद है ये आप लोगों ने बोले ये भी जल्दी बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी मस्ट। चल अपनी जगह पे, और ये बलून इन्होंने अभी दोबारा का छाल छोड़ दिया है। गाइस आज थोड़ी सी आपको गांव की सैर करवाते हैं, ये तो वैसे निकलते हैं, छलियाँ लगी हुई है, ये तो फूटी है, पता नहीं कब होगी, बहुत सीरे में छलियाँ तो पहले रेडी हो चुके, भुट्टे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पे तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। चलिए अभी चलते हैं हम, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है मंदिर को जाने का, लेकिन मेरे को कुछ काम है यहाँ पे, तो इसलिए जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद। टफी के साथ आया था इधर मैं, और आप पूछते हो कि टफी किधर है, टफी किधर है, मैंने बताया तो है आपको, टफी एक सुखमय ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि उसको मेरे से डर लगता था, फिर वो मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा तू अपनी ज़िंदगी जी, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है अब। इस गाँव में कुछ ज़्यादा मैं घूमता नहीं, अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर इधर जाना होता है, बट मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कुत्ते कत्ते पहचानते नहीं, पता नहीं कौन सा कुत्ता किधर से आ जाए, अटैक कर दे मेरे ऊपर। ये थोड़ा ध्यान से घर वाले यहीं पे हो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे पुराने ब्लॉग में, कल का स्टार्ट है। वो बहुत दिनों बाद ना आज मैं छत के ऊपर आया, और बहुत दिनों बाद ये पोंपो सुनी ना आपको, ये हमारे यहाँ ट्रेन जाती है ना, मतलब जाती है एम्प्लॉइज़ को लेके 9 बजे, नहीं 9 बजे नहीं 7 बजे जाती है, और फिर 8:30 वापस आती है, शाम को फिर जाती है 3 बजे, और 5 बजे फिर आती है, तो ये वाला सीन है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आपके हम कुछ बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि स्ट्राइक्स आई हुई हैं 2, और पीछे म्यूज़िक चला हुआ है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, और आपके अंकुश यहाँ दुनिया से नहीं, यूट्यूब की दुनिया से जाते हुए बने, तो इसलिए हम बोलेंगे कम और एक्ट ज़्यादा करेंगे वीडियो में।
राज कहते हैं ना कि सुबह सुबह ना हरी चीजें देखनी चाहिए, तो आप मेरा व्लॉग देखना, आपको हरा हरा दिख जाएगा। अब बारिश हो गया फिर से स्टार्ट, नीचे चलते हैं, हल्की हल्की बारिश। और फिलहाल इधर मम्मी बना रहे हैं सुबह की गर्मा गर्म चाय। मम्मी मेरे को निकलना भी है 9 बजे से पहले ना, और टाइम जो हो रखा है कितना हो गया टाइम, मेरे को नहीं लगता मैं रेडी हो पाऊंगा जो 9 बजे से पहले निकल पाऊंगा। पता है आपके यहाँ कुछ लेट हो जाते हैं, 7:56 हुए हैं। और कब मैं ये वीडियो एडिट करूँगा, कब मैं डालूँगा, कब मैं जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, छोड़ दें, चलिए देखते हैं जैसा भी होता है। चाय पीते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं। चाय पीने के तक ना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और गाइस एक बात और थी कि ना अब हम चलते हैं, हम मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, और बाकी सब बढ़िया है। कुछ जो चीज़ें बोली ये कुछ इनको ऐसे मत लेना आप मजाक में, ये कुछ बातें सीरियस है। तो चलिए फिलहाल इस बात वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली बात वीडियो में। तब तक ये आप लोगों को बाय, डरा हुआ मैं बहुत है। बन रही है चाय, तब तक हमने सोचा क्यों ना एक्सरसाइज करी जाए, है ना। तो पता क्या होता है, वैसे तो मैं डेली करता हूँ, बट अभी सोचा कि अभी फिर से कर लेते हैं सुबह सुबह, जब तक चाय नहीं बन रही है ना, टाइम भी है आपके पास और मेरे पास भी लिमिटेड सा टाइम है, और टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखिए आप अंकुश के ब्लॉग में। आपको हर एक टाइम समय को ना यूज़ करते होता है कि कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं दो तरह से यूज़ कर रहा हूँ, एक तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपने लिए, दूसरा ब्लॉग भी बना रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ। तो एक्सरसाइज आपको जो ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, बस ऐसे ही हल्की फुल्की करनी है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, जितनी अच्छी कर सकते हो। कुछ का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होगा, लेकिन ये करो जरूर हल्का फुल्का, जितना आपसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। क्योंकि एक बार आप डे में करोगे ना, आपका सारा दिन इतना अच्छे से निकलेगा ना, आप बोलोगे अंकुश क्या सिखाया आपने, वाह 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 वाह। साथ में हम आपको ना सिखा भी रहे हैं और हंसा भी रहे हैं और इस व्लॉग को एंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और शायरी भी सुना रहे हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ अपनी एक्सरसाइज, ताकि मेरा जो बॉडी है वो सारा दिन अच्छा रहे, फिट रहे, किसी तरह की कोई थकावट महसूस ना हो और एक्टिव रहे, और कोई भी मसल्स में इधर उधर को मोड़ होंगे या कोई भी बॉडी का पार्ट इधर उधर को मोड़, कि ऐसा ना हो कि मेरी नस चल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोलना नहीं, मेरे को बोलना पड़ रहा है, मेरी बात तो भी बंद जाना। कुछ बातें मैंने बोली जो मेरी लाइफ में चल रही है वो सीरियस है किसी हद तक, कुछ बातें हंसी मजाक वाली उनको सीरियस मत लेना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है सही टाइम आने पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पढ़ते के पीछे क्या है, पढ़ते के पीछे गाना भी होता ना ऐसा कुछ, मत करके बताना। तो चलिए फिलहाल गर्मा गर्म चाय पीते हैं, बन गई है मम्मी भी अखबार बैठ के चाय लेके, और चाय एग्जैक्ट ऐसे नहीं पीना आपको, चाय कैसे पीना है, चाय अभी आपको थोड़ी देर रेस्ट लेके पीना है। तो ये रखती मम्मी ने हमारी गर्मा गर्म कड़क चाय। तो चलिए फिलहाल चाय पीते हैं और इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ऐसा है ना, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने बताया आपको, उसी चक्कर में आपको वीडियो ना मिल पाए, तो ऐसे सुबह सुबह वीडियो बना देंगे, नहाएंगे फिर निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो गया वो तो पता ही, आपके हम कुछ ऑलरेडी लेट हो जाते हैं हर किसी फंक्शन में, फेस्टिवल में और यहाँ कहीं भी, है ना। तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय। और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी हमारे इस एरिया में, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते थे आपके एरिया में वेदर कैसा है, हमारे एरिया में जो वेदर है ठीक है, गर्मी नहीं है लेकिन मॉइस्चर जरूर है, पसीना जरूर पड़ता है, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, और गर्मी एक लू की तरह होती थी वो नहीं है, और ठंड भी नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो ये वाला एरिया बहुत सेफ है हमारा स्पेशली घर, और अगर आप इस हिमाचल एरिया में घूमना चाहते हो तो यहाँ पे बिल्कुल आपको चंडीगढ़ से धर्मशाला नहीं जाना, चंडीगढ़ से आपको मैं आइडिया दे देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप चिंतपूर्णी तक, रोड बड़े सही है और हमारी इस एरिया को आराम से विजिट कर सकते हो, बहुत से डैम्स है यहाँ देखने के लिए, बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है, पानी में शिव मंदिर है और पानी में सब कुछ, है ना, होटल्स वगैरह भी है, बढ़िया है, मतलब कि अगर इस एरिया को विजिट करना चाहते हो बहुत बढ़िया है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, टूरिज्म का ज्ञान भी दे दिया, बाय बाय।